हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 3 महीने के बच्चे में क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं। जी हाँ, 3 महीने के बच्चे में क्या विकास होता है, आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही 3 महीने तक हमारे बच्चे ऐसी क्या चीज़ें नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप देख पाएं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट होगा कि बच्चे का एक स्लीपिंग पैटर्न सेट हो जाता है। जी हाँ, हमें 3 महीने होते होते ही पता चल जाता है कि बच्चा कितने टाइम सोएगा और कितनी देर के बाद वो फीड के लिए उठेगा। तो ये हमारे लिए भी ईजी हो जाता है कि हम उसे उस टाइम पर उठा के फीड दे सकते हैं और फिर उसे वापस सुला सकते हैं और साथ ही उनके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बच्चे का एक स्लीपिंग पैटर्न सेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, यानी कि आपको पहचानने लगते हैं। अनजान लोगों के पास शुरुआती दिनों में बच्चे इजीली चले जाते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद बच्चे थोड़े हेजिटेट होते हैं दूसरों के पास जाने से। वो उनके पास नहीं जाके आपके पास रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं, या फिर जो भी उनके आसपास हो, लाइक पापा या फिर दादा दादी जो भी हो, उनसे वो ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से उन्हें पहचानने लगते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चा अपना नेक कंट्रोल करना सीख जाता है। हालांकि तीसरे मंथ में इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है, पर कोई कोई बच्चे तीसरे मंथ में इजीली करते हैं, जैसे कि इसने किया हुआ है। मैंने इसे टमी टाइम देना शुरू किया था। आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट दें और फिर ग्रेजुअली उसे इंक्रीज कर सकते हैं टमी टाइम देना। टमी टाइम से बच्चों का बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, उनके पीछे गले की या नेक की जो मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है, बच्चा अपना हेड उठा पाता है, अपने हैंड्स एंड लेग्स को फ्रीली मूव कर पाता है। तो टमी टाइम बच्चे के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज भी होता है। चौथी पॉइंट कि बच्चा इजीली कुछ ग्रैब कर लेता है। अब बच्चा अपना मुट्ठी बंद कर सकता है, खोल सकता है, तो ये भी उनकी एक अचीवमेंट ही होती है 3 महीने के मंथ में। पांचवा पॉइंट, अगर आप बच्चे से बातें कर रहे हो, अगर आप उनसे कुछ बोल रहे हो तो बच्चा सामने से आपको रिप्लाई बैक करता है स्माइल करके या फिर हंस के, जोर से आवाज़ें निकाल के हंसता है, जैसे कि ये कर रही है। जब भी हम इनसे बात करते थे, जब भी मैं अलग अलग फेसेस बनाती थी, कोई एक्सप्रेशन देती थी, तो सामने से हंसती थी। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी अचीवमेंट होती है। सिक्स पॉइंट है कि बच्चे अलग अलग तरह के साउंड्स निकालना शुरू कर देते हैं, बहुत तरह की साउंड निकालते हैं। इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते रहते हैं। अगर आप उनसे बातें करोगे तो वो उन्हें उनकी जो लैंग्वेज क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, उनकी माइंड मोटर स्किल्स डेवलप होते रहते हैं, जिससे वो उन्हें भी बातें करने का मन करता है और इसीलिए वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। सातवां पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चा फ्लिप होना या रोल ओवर होना शुरू करता है, पलटी मारना शुरू कर देता है, जैसे कि इसने किया है। 3 मंथ एंड होते होते इसने एक दिन अचानक से ऐसा किया और ये पलट गई। मैंने इसे कभी सपोर्ट भी नहीं दिया, जस्ट ये एक पिलो पे थी और इसने पलटी मार ली और उसके बाद इसने पलटना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ गई। हम जब भी रूम में नहीं होते थे तो हम चारों तरफ पिलो लगाते थे, या फिर जब वो सो रही होती थी तो हम पिलो लगा के छोड़ देते थे ताकि बच्चा आपका गिरे ना। तो जब वो रोल करना शुरू कर दे तो आप उसे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाएगी कि आप उसके चारों तरफ पिलोज़ वगैरह ज़रूर रखें। अब हम बात करेंगे कि कब हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद भी या 4th महीने तक अगर बच्चा ये सब एक्टिविटीज़ ना करे तो हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो पहली चीज़ है, अगर बच्चा अपने आईज को रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो आप कोई भी ब्राइट कलर का टॉय ले लें, अगर आप उस टॉय को मूव कर रहे हैं तो बच्चे को भी अपनी हेड को धीरे धीरे मूव करना चाहिए उस टॉय के लिए या फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपका बच्चा अपने आईज को रोल नहीं कर रहा है तो फिर ये एक टेंशन की बात है और आपके अपने डॉक्टर को ज़रूर इसके लिए दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बच्चा अपने हाथ पांव को अगर फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है तो आपके 3rd महीने में इमिडिएटली आपके अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके लिए दिखाइए कि बच्चा क्यों अपने हाथ पांव को फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे अपने हाथ पांव बहुत ज़्यादा चलाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तीसरी पॉइंट कि जब बच्चा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा है 4th मंथ तक,
आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, आप उसको कुछ भी बोल रहे हो या बातें कर रहे हो तो वो अगर स्माइल नहीं करता है तो ये भी एक टेंशन की बात होती है और आपको इस टाइम पे भी डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग अलग होती है, थोड़े दिनों का आगे पीछे होता है, बट एक टाइम के बाद आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपके बच्चे ने ऐसा क्या नहीं किया जो एक चिंता का विषय हो सकता है। तो आप इस बातों को ध्यान रखें, जो भी मैंने बोला है ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो बच्चे करते ही हैं और आपने भी ये चीज़ देखा ही होगा। अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं कर रहा है तो आप इसके बारे में अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से बात करें। आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो को जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम 3 से 6 महीने के बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।